एवरी वन वेलकम टू माई चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग सो so, कल हम साढ़े नौ बजे के आसपास पास के घर से अपने घर पे आए काफी ज्यादा थक चुके थे इजी क्या रहा कि नैया ने खाना वगैरह सब पैक करके दिया था तो खाया पिया मस्त और सो गए सुबह अभी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी हूँ नौ से दस मुझको बच गए उठने में लेकिन क्या है घर का सारा काम मैंने कर लिया और काफ़ी ज़्यादा जो है मैं करके गई थी काम आपको पता ही है कि मैं काम में पीछे नहीं हटती हूँ तो काम सारा मैं निपटा के गई थी बाकी बस नहा ली हूँ पूजा कर ली है नाश्ता भी बनाना बाकी है मैंने कहा चलो आप लोगों से बातें कर लेते हैं और मेरी हवन की वीडियो पर सनाया के हवन की वीडियो पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया उसको काफ़ी सारी ब्लेसिंग दी और बहुत सारा प्यार लुटाया तो उसके लिए दिल से धन्यवाद इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए मेरे ऊपर मेरी फैमिली के ऊपर मेरे बच्चों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि चलो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं कुछ अचीव किया है लाइफ में इतना प्यार जो मिल रहा है बाकी अभी मैं आप लोगों के संग शेयर कर देती हूँ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो कि है मार्स बाय जी एच एस का बायोटीन मल्टीविटाम टैबलेट्स जो ये टैबलेट्स हैं ये स्पेशली आपके हेयर्स के लिए है आपकी हेयर की जो भी प्रॉब्लम जैसे कि हेयर फॉल हो रहा है काफी ज्यादा हेयर लॉस हो चुका है डेंडफ की प्रॉब्लम है गंजापन होता जा रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो इसमें सभी नेचुरल इन्ग्रीडियंट आपको मिलते हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट का होने का डर नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ आपको कैरेटिन मिलेगा अमीनो एसिड मिलेगा मल्टीविटामिन मिल जाता है बायोटीन मिल जाता है दस हजार एम में तो बहुत अच्छा वर्क करने वाला है आपकी हेल्थ पे भी और बालों पे भी स्किन को ग्लो करता है ये और पूरे दिन जो है आपको एनर्जी देता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है क्योंकि इसके अंदर मल्टी विटामिन भी आपको पता ही है और और क्या करता है इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाता है हेल्थ को अच्छा करता है तो जब ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी है बॉडी की तो आपके चेहरे पर चमक और बालों पर चमक तो आनी आनी है ना तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए स्पेशली हेयर की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बिकॉज ये आपके जो बालों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है आपके जो आ, स्कैल्प है उसके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिसकी वजह से बालों की रीग्रोथ बहुत आसानी से बहुत जल्दी से हो जाती है गंजेपन की समस्या दूर होती है टेंट ड्रफ का नामों निशान नहीं रहता है और आपके बाल जो है पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मेरे भी बाल काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ सिंपली आपको क्या करना है एक टैबलेट को डेली लेना है गर्म पानी के साथ अपने किसी भी मील के टाइम पर और पूरा दिन आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं बस एक ही टैबलेट लेनी है इसके अंदर आपको सिक्सटी टैबलेट मिल जाती है प्राइस इसका सेवन नाइन नाइन है बट अगर आप ले लेते हो उसको तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी तो आपको परेशान होने की इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आप भी अपनी प्रॉब्लम दूर कीजिए अपने बालों की क्योंकि बाल है तो जहान है बालों के बिना कुछ भी नहीं है आपको आज को पता ही है और स्किन भी हेल्दी होना नेचुरल तरीके से नेचुरल इन्ग्रीडियंट के साथ वो भी मतलब आजकल नहीं मिलता है कहीं पर तो आप इसको ट्राई कर सकते हो ठीक है आगे चलो एक बढ़िया से नाश्ते की रेसिपी बनाते हैं और खाते हैं सो so फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ किचन में कितने दिन बाद में आप लोगों के संग एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ सीज़न की पहली भिंडी बनाने वाली हूँ अपने घर में बहुत सारे लोग बना चुके होंगे बिकॉज मुझे दिखती रहती थी सब्जी के ठेले पर तो आज मैंने फाइनली भिंडी बनाने का सोचा नाश्ते में और भिंडी के साथ पराठे खाएंगे भिंडी पराठा बहुत अच्छा लगता है और भरवा भिंडी हो तो बात ही क्या है लेकिन अभी मैं प्याज वाली सिंपल भिंडी बना रही हूँ जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं अपने घर में तो प्याज डाल दी है मैंने तेल गरम कर लिया था मस्टर्ड ऑयल देन उसके बाद जो है मैंने ये भिंडी को जिस तरीके से कट करके रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल दी है थोड़ा सा चलाते चलाते मतलब भिंडी को फ्राई कर लूँगी बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है अदरवाइज़ लग जाएगी तेल बहुत ही कम था तो आप देख सकते हो ड्राई ड्राई सा हो गया अभी जैसे जैसे थोड़ी सी भिंडी पकेगी तो तेल छूटता जाएगा और हमारी सब्ज़ी पकती जाएगी तो इसके अंदर मैं खटाई नहीं डालने वाली तो टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी भिंडी है जो शायद अभी खाई जाएगी और फिर दोपहर को थोड़ी सी खाई जाएगी ख़त्म हो जाएगी जल्दी से तो टमाटर डालने के बाद इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च लाल मिर्च ना बहुत ध्यान से डालना पड़ता है मुझको ये वाली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज मिर्च है तेज हो जाती है तो दिया फिर नहीं खाती है इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और इसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूंगी हल्दी वैसे डालते नहीं है इसमें लेकिन मैं थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ एंटीबायोटिक का, का काम करती है सही रहती है हमारी हेल्थ के लिए तो चुटकी भर डाल ही दो कलर आए ना है लेकिन डाल दो तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी सभी मसालों के साथ भिंडी को और थोड़ा सा चलाने के बाद अगेन मैं फिर से जो है थोड़ी देर ढककर कर इसको पकाऊंगी ये जल्दी से जल्दी पक जाएगी पाँच मिनट में पक जाएगी ज़्यादा होती तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती लेकिन ये तो बहुत थोड़ी सी है तो इसको हमने चला दिया है और अभी हम ढाँक देंगे तो भिंडी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और जब शुरू शुरू में आती है ना कोई भी चीज़ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है जैसे कि अभी गोभी बहुत आ रखी है लेकिन अभी बंद हो जाएगी तो बहुत मन करता है खाने का फिर श्रादों के टाइम पर हम गोभी खाते हैं शायद पहली बार फिर उसके बाद बेकदरी हो जाती है उसकी तो यहाँ पर देखिए मैंने भिंडी को एक बार ओपन करके देख लिया था तो भिंडी काफ़ी हद तक जो है गल चुकी है तेल काफ़ी छूट चुका है देखिए लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ी देर और ढाक कर पकाऊंगी ऐसे ही चलाते चलाते भी और ढाक ढाक के भी बीच भी बीच में पकाते रहो तो सही है मेरे को सही लगता है दिया आराम से खा लेती है थोड़ा मतलब ओवर कुक हो जाए ना कोई चीज़ तो आराम से खा लेती है तो भिंडी हमारी ऑलमोस्ट बन के तैयार है बस थोड़ी देर और ढक के फिर मैं बंद कर दूंगी गैस को और यहाँ देखिए हम लोग कहाँ पर पहुँच चुके हैं रात का टाइम है और ये सरप्राइज़ था दिया के लिए हमारे इधर ना मेरठ में जिमखाना मैदान है वहाँ पर जो है मेला लग रहा था लास्ट डे था आज मेले का तो शेंकी ने जो है सडन प्लान बना लिया कि चलो मेले में चलते हैं और दिया को हमने ये बोला कि हम जा रहे हैं होटल में खाना खाने के लिए इतना हमने बता दिया लेकिन वो फिर पूछती है कौन से होटल में जाने में कहा ये चलो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है फिर यहाँ आके जब उसने झूले को देखा ना इतना ज़्यादा खुश हो गई बस पूछो मत और वो जो खुशी होती है ना बहुत दिल को सुकून देती है आते ही सबसे पहले इसने ये वाले झूले पर कब्जा जमा लिया बोलती मुझे झूला झूलना है तो इसके लिए हम आए थे वरना तो मेला हमारे बिल्कुल घर के पास लगता है दशहरे वाला हम उसमें नहीं जाते तो इसमें क्या जाएंगे तो यहाँ पर हम स्पेशली दिया के लिए आए और अपनी गाड़ी से नहीं आए आज हम रिक्शे में बैठ कर आए हैं चारों के चारों दिया मैं मम्मी और शेंकी रिक्शा हमारा अपना ही है तो हम रिक्शे में बैठ के आए हैं गाड़ी इसलिए लेकर नहीं आए बिकॉज पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत होती है और रिक्शे वाले भैया भी हमारे साथ में तो ये ऊंचे ऊंचे वाले झूले ये वाला इतना ज़्यादा ऊंचा झूला नहीं है ये बार थो, थोड़ा सा मामूली सा थोड़ा सा ऊँचा झूला है इसमें बच्चे बैठ के खूब शोर मचा रहे थे तो एक बार को तो मुझे लगा कि शायद बच्चे डर के मारे चिल्ला रहे हैं लेकिन वो बस ऐसी एक्साइटमेंट में चिल्ला चिल्ला रहे थे बस ऐसे ही चिल्ला रहे थे और यहाँ पर मिक्की माउस वाले झूले थे दिया का बहुत मन था झूलने का लेकिन यहाँ पर ना बच्चे एक दूसरे पर गिरते हैं तो मेरे को बहुत डर लगता है कि नाक बाग पे ना लग जाए चोट सिर पे ना लग जाए बहुत डर लगता है मेरे को तो मेले में काफ़ी ज़्यादा रौनक हो रखी है लास्ट डे है फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा रौनक है और यहाँ पर जो है मूंग दाल के पकौड़े मिल रहे थे और ये कुछ अलग तरीके का बर्गर था पाव भाजी टाइप बर्गर था इसमें मतलब वैसे टिक्की बना के नहीं डाली हुई थी फिलिंग जो है वो कर रखी थी तो यहाँ पर शेंकी ने ना बोल दिया था मूंग दाल के पकौड़े राम पता नहीं क्या बोलते हैं इसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा राम राम कुछ करके कुछ बोलते हैं इसको तो मूंग दाल के पकौड़े मैं अभी आपको बोल देती हूँ तो इसको पहले फ्राई किया देन उसके बाद इस तरीके से डाला डोने में फिर उसके बाद जो उन्होंने सारे मसाले मिक्स करके एक मसाला बना के रखा था वो इसमें डाल दिया है और बहुत ही यमी यमी सी इस पर डाल दी थी ग्रीन वाली चटनी तो किस किस का मन कर गया खाने का बताना और जो साइड में भैया थे ना जो बर्गर बना के दे रहे थे तो वो बर्गर के साथ ये ग्रीन वाली चटनी और मीठी वाली सॉल्ट भी दे रहे थे वो हमने नहीं ट्राई किया और ये भी हमने एक ही प्लेट ली थी खाने के लिए ऊपर से मूली का लच्छा और चुकंदर और धनिया पत्ती की गार्निशिंग करके इन्होंने हमको दिया था टेस्टी लग रहा था काफ़ी अच्छा लग रहा था अभी हमने ये खाया मैंने मम्मी ने और फ्रेंड को खाया था और ये देखो उसके सवार तो खाना पीना करने के बाद दिया को एक और झूला झूलना था तो हम उसको वो झुलवाने लगे झूले तो बहुत सारे थे खैर लेकिन हम छोटे छोटे वाले झूले ही इसको झुला रहे थे बड़े की भी ये जिद कर रही थी जैसे ट्रेन वाला था वाई फेयर लेडी वाला था और बोट वाला जो होता है ना वो तो बहुत खतरनाक होता है दीपक झूलते थे मेरी देवरानी झूलती थी बट मेरे को तो हमेशा से डर लगता मैंने कभी दीपक के साथ भी नहीं झूला तो यहाँ पर ना दिया के साथ एक बहुत ही छोटे से प्यारी सी क्यूट सी लड़की को बिठा दिया था और बोला था इसको पकड़ करके रखना और ये इसने जो जैकेट पहनी हुई थी ना सेम टू सेम दिया की बियर छोटी सी जो उसके पापा ने खरीदी थी बहुत प्यारी सी सेम इसी कलर की थी और ये देखो ऊँचे ऊंचे वाले झूले ये वाला झूला मैं बता रही थी दीपक झूलते थे और यहाँ पर झूले की स्पीड जो है तेज हो गई थी और दिया जितनी बार भी हमारी तरफ देखती थी ना मुस्कुराती थी हम उसकी मुस्कुराहट ही देखते रहते हैं हमेशा और यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा देती हूँ अपने आप को भी थोड़ा सा रौनक लग रही है पीछे तक दूर तक और सभी लोग जो है अपने बच्चों को लेकर आए हैं बच्चों के लिए करते हैं सब लोग ना और ये रही मेरी मम्मी और ये रहा मेरा भाई ये देखो तो दिया ने जो है अपना झूला बस कंप्लीट कर ही लिया है झूल ही लिया है और अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा जु... मेला नहीं लगा जैसे पहले हम एक बार घूम के आए थे जब मैंने ऊँट की सवारी की थी मैंने डाली थी वीडियो उससे थोड़ा सा मतलब कम है यहाँ पर चीज़ें कम है दुकानें कम है और मतलब इतना बड़ा झूला झूला कह रही <laughs> मेला नहीं है ये तो चलते हैं हम इसका मतलब दिया कि उतरने का टाइम आ चुका है तो शेंगे इसको उतार लेगा और हम आगे की तरफ चलते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें भी यहाँ पर मिलती है जैसे कि ये देखो ये कालीन वगैरह बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइन की यहाँ पर मिल रही थी खरीदने वाले खरीद रहे थे देखिए हमारे घर में तो इतनी जगह नहीं है कि हम ये कालीन वालीन बिछा लें बड़े बड़े हॉल कमरे होते हैं ना वहाँ पे अच्छा लगता है अदरवाइज़ तो छोटे कमरों में क्या होता है ना कि गंदी हो ही जाती है ये और बड़े घरों में क्या है कि ये बिछी रहती हैं एक तरफ एक बड़ा से हॉल में बाकी सब और अलग जगह पे रहते हैं अपने बड़े बड़े कमरों में और एक तरफ ये प्लास्टिक का सामान मिल रहा था हर माल बीस रुपए यहाँ से मैंने ना एक टोकरी खरीदी थी, थी बड़ी सी और मम्मी भी कुछ चीज़ें देख रही थी यहाँ से मन कर जाता है यार प्लास्टिक के सामान देखो तो ख़रीदने का मन कर जाता है ललचा हो जाता है मन एकदम से बॉटल भी थी काम की भी चीज़ें थी देखिए काफ़ी सारी यहाँ पर लेकिन बहुत चीज़ें हैं हर बार फिर खरीद खरीद के प्लास्टिक इकट्ठा कर लो अच्छा नहीं रहता लेकिन फिर भी मैंने एक टोकरी खरीदी थी यहाँ से बड़ी सी और ये फर्नीचर बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे सोफे तो और ये छोटे छोटे से ये देखो ये बड़ा क्यूट सा लग रहा था और ये तो उससे भी ज़्यादा छत पे जैसे बैठने के लिए आंगन में बैठने के लिए अच्छा है ये बढ़िया लग रहा था और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी एक्टिविटी की भी साड़ियाँ थी और बाहर की दुकानें भी थी काफ़ी सारी ना अचार वगैरह की पापड़ मुरब्बा और भी बहुत सारे गेम्स वगैरह भी यहाँ पर हो रहे थे तो दिया आगे आगे चल रही है अपने मामा के साथ भीड़ भाड़ में ना सही रहता है शंकी संभाल लेता है इसको अदरवाइज दिक्कत हो जाती है तो हम जो है मेले में कुछ खा के नहीं आए थे रास्ते में हम रिक्शे में बैठ के डोसा खा रहे थे मद्रासी डोसे वाले भैया हैं जो शिव चौक पे हैं बच्चा पार्क पे हम वहाँ से डोसा एंजॉय कर रहे थे तो so, हम लोग मेले में से घूम कर आ चुके हैं कपड़े भी चेंज कर लिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या खरीद के लेकर आए हैं टोकरी तो गई टोकरी दिखाऊ सबसे पहले तो मैं टोकरी दिखा देती हूँ मैं बहुत ही बड़े साइज की टोकरी लेकर आई हूँ वैसे अगर इसको खरीदोगे मार्केट वगैरह से तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी चालीस पचास रुपए की पड़ेगी बट तो ये मैं बीस रुपए की लेकर आई हूँ और फ्रूट्स वगैरह सारे एक साथ आ जाए इस वजह से लेकर आई हूँ है ना दीऊ हाँ। और धुल भी जाए एक साथ सही रहता है वरना अलग, अलग अलग मुझे टोकरी में करके रखना पड़ता है फ्रूट्स वगैरह को और दीऊ एक लेकर आई है ये बैंड बाजा बैंड बाजा है ना आ देख अब मैं करके बस, बस 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 तो ये ना सोना के पास था तो इसने भी खरीद लिया इसको दिख गया वहाँ पे वैसे नौशंदी मेले में बहुत मिलते हैं जब दीपक जब नौचंदी मेला जाते थे शादी से पहले तो ये खरीद के लेकर आते थे और मेरे घर के आगे से बजाते हो जाते थे बहुत रात हो जाती थी जब मेले में से वापस आते थे तो मुझे पता चल जाता था कि यही करते जा रहे मेरे घर के आगे आके ज़्यादा साउंड करते थे ये चीज़ का और दिया ये देखो क्या लेकर आई है दिया क्या करेगी मैं पुलिस में जाऊंगी गन गन मारूंगी। मारेगी? या गोली मारेगी गोली मारूंगी तो ये पुलिस में जाएगी इसलिए इसने अपनी पहले से ही गन खरीद ली है पहले से ही खरीद ली तुमने वो लोग नहीं देंगे तुमको पुलिस में जब चली जाओगी सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा अपनी लेके जाओगी अपनी लेके जाएगी भैया और साथ में इसके क्या मिला है इसके साथ भी चश्मा भी मिला है ये देखो और ये देखो इस गोली निशाने लगाने के लिए और और ये देखो एक घड़ी भी मिली है ताकि तो टाइम से सारे काम हो सके पुलिस वालों के और और साथ में इसको ये वॉकी भी मिला है तुरंत जब भी कुछ हो प्रॉब्लम तो फटाफट ये टाइम पे पहुँच सके और गोली से अगर काम नहीं चलता है तो बम भी फोड़ सके और तब गोली खत्म हो जाएगी तो, तो बम फोड़ दो और ओ बेटे तो ये सारा सामान जो है मेले की शॉपिंग है थोड़ी बहुत और हमने डोसा खाया और कौन से राम लड्डू हाँ राम लड्डू बोलते हैं उसको मूंग दाल के बड़े को ना राम लड्डू खाए थे और डोसा खाया आते वक्त और रास्ते में वो पाइन वाली जो आइसक्रीम होती है ना खूब सारा पाइनएप्पल उस पर डरा होता है एवन वाली आइसक्रीम वो खाई बहुत अच्छी लगती है मतलब लग मेरी तो शायद सीजन की दूसरी आइसक्रीम थी ये मम्मी ने पहली बार खाई इस सीज़न में और बढ़िया लगा मेरे को तो बहुत टाइम बाद कुछ इस तरीके से कपड़े तो चेंज कर ही चुके हैं और ये वाली डॉल तो तुम माँ से लाई थी हरिद्वार से ये देख लो जूते उतर जाते हैं इसके तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना साथ ही साथ बेल बटन भी प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय Bye!